गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नेम था इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम्स। उसमें हम लोगों ने आपके काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से आपका की हाइलाइट्स थे, आईटी जार्गन था एंड बाकी के बहुत सारे टॉपिक्स इंटरनेट एड्रेसिंग के लिए लेकर, DNS एड्रेसिंग थी एंड बहुत से ऐसे ही टॉपिक्स थे जिन्हें हमने डिस्कस किया था। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करते हुए। एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहले है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है इज़ अ नेटवर्क। तो क्या नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स, इंटरनेट आपका एक नेटवर्क है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क। सिंपल था, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क, पहला हो गया इंटरनेट। सेकंड है कंप्यूटर्स यूज सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर कुछ नियमों का पालन करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, मींस एक दूसरे से फाइल शेयर या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इन नियमों को कहते क्या हैं, इन सेट ऑफ रूल्स को हम कहते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट का था आपका इंटरनेट, सेकंड का है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर यूजेस सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दीज सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है DNS स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको बताया गया है DNS स्टैंड्स फॉर, तो ये आपका है DNS का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था आपके उसमें, तो आपका देख लेते हैं, आप अपना DNS एड्रेसिंग वाला पेज खोलिए, पेज नंबर 75, वहाँ पे आपको मिलेगा टॉप पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। किस लिए स्टैंड करता है स्टूडेंट्स, ये स्टैंड करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे आप डोमेन नेम सिस्टम। फिर फोर्थ है यू कैन सेंड ईमेल टू, फिर ब्लैंक दिया हुआ है रेसिपिएंट्स एट द सेम टाइम। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं याद है तो अपनी बुक खोलिएगा एंड आप उसको आप अपने पेज नंबर 76 पे जाइएगा। आप पेज नंबर 76 पे जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। उसका सेकंड पॉइंट देखिएगा यू कैन सेंड ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट्स आपका फोर्थ नंबर है यू कैन सेंड ईमेल टू मल्टीपल, इसका आंसर है मल्टीपल। नेक्स्ट है फिफ्थ एलिमिनेट्स करप्शन। यहाँ पे एलिमिनेट्स करप्शन से मतलब है स्टूडेंट्स क्या चीज़ है जो आपका करप्शन को एलिमिनेट करती है। तो आप पेज नंबर 76-78 में देखिए करप्शन स्टूडेंट्स कहाँ होता है। करप्शन से आपको पता चला होगा गवर्नमेंट, आपकी बुक में तो ये कई टॉपिक थे जहाँ पर करप्शन हो सकता है। तो ई गवर्नेंस पे आप जाइए, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस है, वहाँ पर आपको फिफ्थ नंबर पे दिखेगा इट एलिमिनेट्स करप्शन। तो आपको यहाँ पे इट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है ई गवर्नेंस एलिमिनेट्स करप्शन। क्या लिखना है स्टूडेंट्स आपको, ई गवर्नेंस एलिमिनेट्स करप्शन। फिर नेक्स्ट है आपका सिक्स नंबर इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग साइट। क्या स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पे, इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग साइट। तो स्टूडेंट्स आप आइए की हाइलाइट्स का लास्ट पॉइंट, पेज नंबर है आपका 81, उसमें की हाइलाइट्स का लास्ट पॉइंट देखिए फेसबुक इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग साइट। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, फेसबुक इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग साइट। तो ये आपके 6 हो गए। फर्स्ट में है इंटरनेट, सेकेंड में है आपका प्रोटोकॉल, थर्ड में है डोमेन नेम सिस्टम, फोर्थ में है आपका मल्टीपल, फिफ्थ में है आपका ई गवर्नेंस
सिक्स है आपका फेसबुक। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका वीडियो, आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आप इसका वर्क अपनी कॉपी में करके मुझे सेंड कर दीजिएगा।